अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक हट है, एडिबल हट बनाएंगे आज हम इस वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए इसमें हमें चाहिए एक, ये जो वेफर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने ये वेफर्स से बनाई है, ये वाले वेफर्स इजीली आराम से हर जगह मिल जाते हैं। तो उसको मैंने जो स्टिक किया है आपस में, वो मैंने मैशमैलोस से किया है। इस तरह से ये इसकी बॉल्स बन जाएंगी हट की। तो मैशमैलोस के लिए आप सभी को पता है कि मैशमैलोस क्या होते हैं। मैशमैलोस इस तरह से मिलते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं और बड़े साइज़ में भी। आप इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें। मेल्ट करने के लिए या तो आप इस तरह से मेल्ट करें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये डायरेक्ट स्टोव पर, या फिर आप जो है इसको एक बड़े से पॉट के अंदर पानी ले लें, उसको बॉईल करें और उसके ऊपर जो है आप एक बाउल रखें, बाउल के अंदर आप मैशमैलोस रखें और उसमें आप जो है इनको मेल्ट कर लें। डायरेक्ट चूल्हे पर भी आप मेल्ट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसमें हल्का सा आप वाटर या मिल्क ऐड करेंगे जिससे ये बड़ा अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये भी चिपक रहा है और ये चिपकता है। हल्का सा आप ग्रीस कर लें पैन को ताकि ये नीचे ना चिपके, और ऑयल इसमें डालें और उसे जो है आप इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद हम इसकी मदद से वेफर्स को एक दूसरे के साथ चिपकाएंगे। मैंने ये चीज़ें जो है पहले से चिपका ली थी, एक दो मैं आपके सामने करूँगी। इस तरह से 5 एक साइड पे हैं और 8 एक साइड पे हैं। ये इसकी वॉल्स हैं हट की। आपस में इसको चिपकाने के बाद अब ये जिस तरह से मैं आप कर रही हूँ, ये बहुत स्टिकी होता है और आप इसकी जगह पे चॉकलेट भी स्टिक कर सकते हैं। चॉकलेट लें, उसको मेल्ट करें और इसी तरह से इसके बीच में, वेफर्स के बीच में लगाते जाएं और उसको ठंडा करना पड़ेगा। फिर आपको फ्रिज में रखें ताकि, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट होगी तो ये हिल जाएंगी अपनी जगह से। इसलिए मैंने मैशमैलोस लिए हैं। मैशमैलोस इस तरह से आप स्टिक करें, इस मैशमैलोस को एक लेयर मैशमैलो की लगाएं और उसके ऊपर आप वेफर्स लगा लें। ये जो हट है बहुत प्यारी लगती है। और जब भी आप कोई पार्टी करें, डिनर पार्टी करें, अपने घर में गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, तो आप ये एज अ सेंटर पीस भी यूज़ हो सकता है। मीन्स जहाँ पे आपने खाने वगैरह लगाए हैं, ये हट बनी हुई कितनी खूबसूरत लगेगी सेंटर टेबल में। और ये केक की डेकोरेशन भी, आपने केक बनाया उसके ऊपर कोई और डेकोरेशन आप नहीं कर रहे, तो ये इससे आप छोटा साइज़ भी कर सकते हैं। हाफ से इसको कट कर लें और इससे भी ज़्यादा छोटा बन जाएगा, तो ये केक के ऊपर भी रख सकते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से मैंने इसको स्टिक किया। 4 इस तरफ है, 5 है। अब ये लास्ट वन जो इसको मैं स्टिक करूँगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको सारी जो इसकी वॉल्स इस तरह से जोड़ ली हैं, इसको हम आपस में जोड़ेंगे। अब ये मैंने साइड से इसको काटा है। ये हट की एक वॉल है, ये फ्रंट वाली वॉल है। फ्रंट वाली को और बैक वाली को हम इस तरह से ट्रायंगल में इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। फिर हम इसका सेंटर डोर भी कट करेंगे। ये हमारी प्यारी सी हट, ये इसकी वॉल्स हैं इस तरह से। आपस में भी इसको मैशमैलोस से ही जोड़ेंगे। ये इसकी रूफ है, छत है। ये इसको मैंने दूसरे तरीके से जोड़ा है। वो जो है दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं जो वॉल्स हैं, और जो छत है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो मैंने दूसरे पतले साइड से उसको जोड़ा हुआ है मैशमैलोस के साथ। ये इसकी डोर का डोर है। ऑब्वियसली हमने हट के अंदर भी तो जाना है, हट का डोर भी तो होना चाहिए। इस तरह से हट का डोर कट करें। अब वॉल्स को लें, साइड से इसकी मैशमैलोस लगाएं और इसको आपस में ऐसे स्टिक कर दें। ये बैक साइड है और जो डोर वाली है वो फ्रंट साइड है। इस तरह से ये हट की फ्रंट वॉल है। कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका डोर कैसे कट किया है और ट्राइंगल में इसको कैसे काट लिया था। अब इसके साइड्स पे भी मार्शमैलोज़ लगा कर, तो हम इसको भी इसके साथ दूसरे वॉल्स के साथ स्टिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको इस वॉल के साथ इस तरह से स्टिक करें और ये खुद ही फटाफट जो है ना आपस में चिपक जाता है। इसको इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्शमैलोज़ जैसे ही उसको हवा लगती है वो स्टिक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाता है। तो जिसके साथ भी आप इसको चिपकाना चाहते हैं तो वो चिपक जाएंगे। इस तरह से आप एक दो तीन वॉल्स जो हैं एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं। देन
इसके रूफ की बारी आएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये लुक प्रेजेंटेबल, जब भी आप किसी आप डिनर पार्टी कर रहे हैं आप, या कोई और भी पार्टी हो रही है, आपको बर्थडे पार्टी हो रही है, तो आप बच्चों के लिए कितनी अच्छी, बच्चे देखकर इसको कितना फैसिनेट होंगे। ये इसकी रूफ है जो मैंने दूसरे तरीके से स्टिक की थी, मींस वेफर्स को लंबी साइड से स्टिक किया था, तो इस तरह से रूफ के साइड किनारों पर भी हम मार्शमेलोज लगा के तो इसको हट के ऊपर लगा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पीस जो है बहुत खूबसूरत लगता है। केक की डेकोरेशन भी, एज अ केक डेकोरेशन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज अ हमारा सेंटर टेबल जहाँ पे हमने खाने वगैरह रखे हैं दावत के, तो उसका सेंटर पीस भी ये बन सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत, इवन सैलड के तौर पे यूज़ हो सकता है। यस, आप इसकी वॉल ऊपर से एक स्टिक ना करें, बस इसी तरह से वॉल्स को रखें और अंदर जो है सैलड आप रख सकते हैं। ये भी एक आइडिया है इसका। आपको होप सो कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जो ये हट मैंने बनाई है ये आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इवन इसके डोर में से भी सैलड जो है आप नज़र आ सकती है अंदर रखी हुई, बहुत खूबसूरत लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके देन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और अल्लाह हाफिज़।